हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे डेट फ्री शेयर से रिलेटिव बातें करने वाले जो कि आज की सिचुएशन पे, जो वॉरेन बफेट ने काफ़ी टाइम पहले एक कोट दिया था, ओके, उस पर बिल्कुल फिट बैठता है। तो अगर हम उसमें आज की डेट में इन्वेस्ट करते हैं, व्हेन द मार्केट इज़ एट टॉप, मतलब अपने ऑल टाइम हाई पे मार्केट चल रही है, ओके, अगर हम बेकार से, मतलब शेयर अच्छे हो बट हम ऐसे शेयर में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। जो अच्छे शेयर तो है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, डेट फ्री भी है, बट जो शेयर बहुत काफ़ी चल चुके हैं, आपको 50% 100% तक के रिटर्न्स दिए, ऐसे शेयर पे हम बिलीव अभी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे शेयर पे हमने बिलीव किया, इन्वेस्ट किया और वो मार्केट क्रैश हुई, तो वो आपको शेयर और लॉस लॉस दे जाएगा। बट अगर जो शेयर फंडामेंटली स्ट्रांग है, डेट फ्री है, बट आपको आपको नीचे मिलने का मौका मिल रहा है, आपको अभी भी 20-30% नीचे पे मिल रहा है अपने ऑल टाइम हाई से, तो ऐसे शेयर आपको क्या करेंगे, आपको फ्यूचर अगर वो मार्केट गिरता भी है तो उसमें थोड़ी बहुत गिरावट आएगी, क्योंकि वो शेयर ही ऐसा है, जब पेंडामिक था तब भी वो बहुत मामूली सा गिरा था, मैं आपको दिखाऊंगा, और अभी भी लगभग उसी लेवल पर चल रहा है, ऊपर गया था वो शेयर, ओके, जब सब भागे थे तो वो भी भागा था, बट उधर से अब दोबारा नीचे आ गया है। तो ऐसे शेयर को एक्युमुलेट करना बहुत फायदेमंद की बात होगी। अगर आप ऐसे शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रखोगे, अभी खरीदोगे, वैन जब आपको कोट भी दिखाऊंगा वॉरेन बफेट साहब का, तो आपको पता चलेगा कि उस शेयर में इन्वेस्ट करना आपको काफ़ी अच्छा होगा। और लोगों ने आज की डेट में 60% की से डिलीवरीज उठाई भी है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, बट मैं आपको इससे पहले कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे इस चैनल, जो आपका खुद का चैनल है बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार, इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज वेल एज हमारी हमारी जो ये वीडियो आप देख रहे हैं अभी, लाइक कमेंट करिए। और अगर आप किसी वीडियो पे किसी शेयर से रिलेटेड कोई वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे बताइए, मैं अपनी राय देना पसंद करूँगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक कोट दिखाना चाहूँगा वॉरेन बफेट साहब का, क्या है, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। इसका मतलब क्या है कि बी फियरफुल मतलब डर डर डरो थोड़ा सा, व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, जब दूसरे लोग ना लालची हो, जब आपके शेयर बाजार में हो, ये होता है कि लोग जब खरीदते जाते हैं, तो आपको बचना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए, सब्र रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, एंड ग्रीडी और तब लालची बनो, व्हेन अदर्स आर फियरफुल, जब दूसरे लोग ना डरे हुए हो, जब डरे, जैसे मार्केट गिरा था मार्च में, तो लोग डर गए थे, बेच दिया था, बट काफ़ी लोगों ने वहाँ पर एक्यूमुलेट किए शेयर, खरीदे शेयर, अपने पोर्टफोलियो में जगह दी, और आज 100% 50% इतने जिसने अपने तरीके से जिस शेयर में इन्वेस्ट किया उसके हिसाब से आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट भी मिले। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आपका कोट है, जो वॉरेन बफेट साहब का कोट है, ये एक शेयर पे लागू होता है। आइए उस शेयर से रिलेटेड बातें कर लेते हैं, ओके, मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूँ। देखिए फेस वैल्यू तो 1 रुपये का है, ओके, हाई देखिए 26-8 अप्रैल को ये, ओके, एक पेंडेमिक के बाद भी 2614 रुपये का हाई बना के गया है। मार्केट गिरी गिरी थी तो मतलब 1750 रुपये के आसपास ये शेयर था, और आज की डेट में कितने खरीदे, लगभग 60% की डिलीवरीज, 59.72% की डिलीवरीज आरबी उठाई गई है। इसलिए कह रहा हूँ ये शेयर देखिए अच्छे अच्छे लोग उठा रहे हैं, LIC ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है इवन इसमें। तो आइए शेयर की तरफ चलते हैं। तो शेयर क्या है, HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, FMCG का एक दिग्गज, निफ्टी 50 का टॉप का, 5 लाख से ज़्यादा का मार्केट कैपिटल, ओके, बहुत बेहतरीन इसके प्रोडक्ट्स, हर एक के घर में 3-4-5 प्रोडक्ट्स होंगे, किसान कैचअप से लेके, खाने से लेके, सोप से लेके, डब साबुन, ओके, सारा मतलब क्या नहीं बनाता, बहुत इतनी सारी चीज़ें बनाता है, आप देखेंगे अपने प्रोडक्ट्स पे पीछे तो लिखा होगा HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट है। तो बहुत बेहतरीन शेयर है, और वैल्यू कितनी है, 2117 रुपये। तो मैं आपको ये शेयर एक्युमुलेट करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये देखेंगे अगर हम 6 महीने से, तो ये 6 महीने से देखिए लगभग, मैं आपको दिखाता हूँ पहले, तो मैं आपको पेंडामिक का दिखाता हूँ कि पेंडामिक में जब ये शेयर यहाँ पर गिरा था, तो देखिए यहाँ पर तो यहाँ तक ये शेयर पहुँचा भी है, 2600 के आसपास पहुँचा भी है, और अगर हम यहाँ से बात करें तो देखिए अभी भी 14-15% का यहाँ पर देखिए अभी भी गिरा हुआ है ये शेयर, और आप सोच रहे हैं कि और गिरेगा, तो नहीं गिरने वाला, क्योंकि ये शेयर थोड़ा बहुत गिर सकता है, 2000 तक भी आ सकता है, 1900 तक भी आ सकता है, बट फ्यूचर में ये शेयर ना कैसे जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। तो ये शेयर इस तरीके से जाएगा, देखिए ये जो शेयर होते हैं ना, एक गिरते हैं, बट गिरने के बाद थोड़ा परेशान करते हैं, थोड़ा बहुत परेशान करते हैं, 6 महीने, 1 महीने, 2 महीने, फिर उसके बाद जो एकदम स्पाइक मारते हैं ना, एकदम देखिए यहाँ पर स्पाइक मारा, फिर यहाँ पर से बढ़े, बट इनका मोटो क्या होता है, इनका मोटो होता है हमेशा ऊपर की तरफ। तो देखिए गिरेंगे, वॉलेटिलिटी रहेगी, ऊपर नीचे होंगे, जो जो मार्केट का है, मार्केट इस हिसाब से चलती है, बट
हमेशा ऊपर की तरफ जाएंगे। लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टस से ये शेयर इतना बेहतरीन शेयर है कि आप इसे अपने पोर्टफोलियो में जगह देंगे तो आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स डेफिनेटली मिलेंगे। और देखिए कितने, 1936 रुपये का ये 1 जैन को चल रहा था, अगर उससे भी बात की जाए तो कुछ ज़्यादा रिटर्न इसने आपको दिए नहीं है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसने कुछ ज़्यादा रिटर्न्स आपको दिए नहीं है, कितने 9% के रिटर्न दिए। बट क्या है कि ये शेयर कभी भी स्पाइक मारता है और कभी भी आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स यहाँ पर प्रोवाइड करके चले जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 26-28% के रिटर्न यहाँ पर भी दिख रहे हैं, 2600 तक गया था। तो इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये शेयर देखिए इसी कंसोलिडेशन फेज पे चल रहा है, ओके इस पर बढ़ नहीं रहा है, बट जब ये भागेगा तो ये ही शेयर जो कितने रुपये का था, 166 रुपये का, ओके कितने पे चल रहा है, 2100-2200-2600 के आसपास ये का 52 वीक हाई है। और ये शेयर मतलब 3 से 4 बार इसने आपको बोनस भी दिया है, तो बोनस प्लस में डिविडेंड, और डिविडेंड देखिए साल में 3 बार तो ये डिविडेंड दे के जाता है आपको। यहाँ पर देखिए 2020 में कितनी बार, 3 बार, जब सब कंपनी अच्छी अच्छी कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही तब यहाँ पर ये देखिए 19 जून को दिया था 14 रुपये का, ओके 30 जून को दिया था 9.5 रुपीज़ का, ओके 28 अक्टूबर को अभी ओके यहाँ पर दिया है 14 रुपीज़ का, मतलब कितना 38 रुपीज़ के आसपास का इसने डिविडेंड आपको दे दिया है। तो ऐसी ही कंपनी को एक्यूमुलेट करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक और फैक्ट बताना चाहता हूँ, आप देखेंगे ना तो ये कंपनी कभी भी आपको बोनस भी दे सकती है। मार्केट कैप देखिए 5 लाख करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैप है, ओके पी देखिए 68.7, और आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 120% का, जो कितना बेहतरीन है। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 87.7% का। तो ये कंपनी अपना अच्छा आरओसी है, आरओई है, तो आपको आपके शेयर, आपको आपकी जो वेल्थ है उसे क्रिएट करने में ये हेल्प करेगा, ये शेयर ऐसे शेयर है। और देखिए प्रोस देखिए डेट फ्री कंपनी है, ओके रिटर्न रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है 83.44, और वो पिछले 3 साल से लगातार परफॉर्मेंस देता आ रहा है, ओके हेल्थी डिविडेंड, डिविडेंड देखिए 80% का डिविडेंड देती है ये कंपनी अपने। अब देखिए क्वार्टरली रिजल्ट पे आप ध्यान दीजिए, जहाँ पर सब कंपनी के रिजल्ट्स बेकार आ रहे थे पेंडेमिक में, जिसका बिजनेस भी नहीं हुआ कोरोना काल में, यहाँ पर देखिए इस कंपनी का बिजनेस पे बिजनेस हुए जा रहा है, और बिजनेस में पिछले क्वार्टर को भी क्रॉस करते जा रहा है। अभी देखिए कितनी सेल हुई, 11,442 करोड़ रुपए की तो सेल हुई थी, एक्सपेंस 8,573 के थे, और नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 2,009 करोड़ रुपए का यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी इस कंपनी को हुआ है। और ईपीएस की बात की जाए अर्निंग पर शेयर, तो देखिए 8.8.55 रुपीज़ का यहाँ पर ईपीएस भी है का, तो कंपनी का सब कुछ अच्छा है। और देखिए एक चीज़ और, एक मेरे को जो अभी की अच्छी बात लगी, देखिए रिजर्व्स देखिए इस कंपनी के, जहाँ केवल 1800, 2000, 3000, 6000, 7000 के रिजर्व्स चल रहे थे, अभी देखिए रिजर्व्स कितने हैं, 46,409 करोड़ रुपए के इसके रिजर्व्स है इस कंपनी के। तो मतलब ये कंपनी इस लेवल पर पहुंच गई है कि ये आपको कभी भी बोनस भी दे सकती है, ओके और आपको शेयर को दोगुना कर सकती है। तो देखिए ये तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, बट रिजर्व्स देखिए मार्च में केवल 7,815 करोड़ रुपए के थे, तो अभी 46,409 करोड़ रुपए के रिजर्व है, जो बहुत बेहतरीन रिजर्व है। और बोरिंग की बात की जाए तो नेट डेट फ्री, मतलब पूरा का पूरा डेट फ्री कंपनी है, तो कोई घबराने की बात नहीं है, किसी का इसको पैसा नहीं देना, बल्कि 46,409 करोड़ रुपए के इसके पास रिजर्व्स है। तो ध्यान दीजिए बहुत अच्छा बेहतरीन शेयर है, गिरते हुए मिल रहा है, तो इसे एक्यूमुलेट करते जाइए, अपने पोर्टफोलियो में रखते जाइए। LIC देखिए, LIC लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेशन देखिए कितना खरीदे हैं, जहाँ इसने दिसंबर 2019 में सारा खाली कर दिया था, अभी 2.97% की हिस्सेदारी इसमें रखता है। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग भी देखिए, लगभग 61.90% की प्रमोटर्स की होल्डिंग है, जो कि सेम है, ओके एज वेल एज फॉरन इन्वेस्टर देखिए 14.54, DIS तो यहाँ पर है ही, पब्लिक की होल्डिंग 12.74% की है। तो यहाँ पर ये कोट आता है, देखिए लोग डरे हुए हैं, डर के रीजन से देखिए बेचते जा रहे हैं, तो एक महीने का भी अगर चार्ट पैटर्न देखेंगे तो गिरता हुआ ही नजर आएगा, इसी कंसोलिडेशन ऊपर बढ़ता है गिरता है, 2200 तक जाता है फिर 2100 तक आ जाता है। तो इसलिए अगर आपको ये शेयर बाय मिल रहा है और गिर रहा है, बाय ऑन डिप्स करते जाइए, फ्यूचर में देखिए ये इस तरीके के रिटर्न देगा, 10-15 साल आपने अपने पोर्टफोलियो में रख लिए तो आपको करोड़पति बना देगा। और बोनस देखिए, कंपनी 4 बार बोनस भी दे चुकी है, और दोबारा शायद बोनस दे दे, क्योंकि इनके रिजर्व्स काफ़ी बेहतरीन हैं, 46 करोड़ रुपए के। तो यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा और बेहतरीन शेयर है, डिविडेंड अच्छा है, आरओई अच्छा है, आरओसी अच्छा है, ओके बेहतरीन रिजर्व्स है, डेट फ्री कंपनी है, तो आप इन्वेस्ट का सोच सकते हैं, अदरवाइज वॉच लिस्ट में तो रखिए। और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डेफिनेटली कंफर्म कर लीजिएगा बिफोर इन्वेस्टिंग। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, एज वेल एज हमारे इस चैनल को बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार
यहाँ पर आप इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाता रहूँ मैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।